जो भी छात्र एवं छात्राएं बिहार बोर्ड से 2025 में इंटरमीडिएट का फाइनल एग्जाम देंगे, चाहे वो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या वोकेशनल किए क्यों ना हो, तो आपके जो कॉलेज है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। ऐसे में जो भी छात्र एवं छात्राएं हैं, सबसे पहले आप अपने कॉलेज जाइए और कॉलेज जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लीजिए प्रिंसिपल सर के द्वारा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेने के बाद आप इसमें देखते हैं, बेसिक सी जानकारी आपको यहाँ पे भरी रहती है ऑलरेडी पहले से, जिसमें आपका नाम हो गया, मदर फादर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका कैटेगरी, कॉलेज कोड, इस तरह से यहाँ पे भरा रहता है। लेकिन बाकी की जो जानकारी होती है जानकारी आपको फॉर्म के दूसरे साइड भरना पड़ता है, जैसे कि आधार नंबर हो गया, विद्यार्थी का हस्ताक्षर हो गया, उसका सब डिविजन, मोबाइल नंबर, स्टूडेंट नेम, मदर नेम, फादर्स नेम, स्टूडेंट एड्रेस यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हो गया, खाता संख्या होगा, FSC कोड हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 200 मार्क्स, इसको आपको कैसे चयन करना है। यानी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि जो भी बाकी की जानकारी खाली है उसको आपको कैसे भरना बिना गलती किए हुए, ठीक है। उसके बाद जब आप इस फॉर्म को भर लेंगे, ठीक है, भर के जमा करने के लिए जाएंगे कॉलेज में, तब इसके साथ और आपको क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स पिनअप करके कॉलेज में जमा करना है और कितना रुपया लगता है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर बता देंगे, ताकि आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं, ये आर्ट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, फैकल्टी आर्ट यहाँ पे दिया गया, और मेरे पीछे यहाँ पर देखते हैं फैकल्टी साइंस का ये भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो दोनों अलग अलग स्टूडेंट का ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है। तो दोनों का सेम प्रोसेस है, कुछ चेंज है मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे फॉर्म को आपको कैसे भरना है, ठीक है। तो पहले तो पेज में कुछ भरना नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ भरा रहता है। थोड़ी सी जानकारी है जो आपको भरना है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखते हैं कास्ट कैटेगरी तो EBC है, जो भी कैटेगरी होगा वो लिखा रहता है। डिफरेंट टेबल में यहाँ पे नो है, क्योंकि विकलांग नहीं है स्टूडेंट। उसके बाद 15 नंबर से आपको यहाँ पे भरना है। तो 15 नंबर में आपका नेशनलिटी है, तो यहाँ पर आप इंडियन लिखेंगे, INDIAN, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिलीजन यानी धर्म आपका क्या है 16 नंबर में, तो आप यहाँ पे हिंदू लिख देंगे, HINDU, ठीक है, इस बॉक्स में आपको फिल कर देना। उसके बाद आप यहाँ पे दूसरे पेज में आते हैं, तो यहाँ पर आपको और भी जानकारी भरनी पड़ती है। चलिए इसको भी हम आपको भर के दिखाते हैं क्या भरना है। तो यहाँ पर जो भी आपका आधार नंबर होगा 12 अंकों का, उस नंबर को आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो विद्यार्थी का यहाँ पर हस्ताक्षर करवा देंगे, हिंदी या इंग्लिश कोई भी भाषा में करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 19 में है एरिया वेयर द इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड, यानी जो भी आपका कॉलेज है वो शहरी क्षेत्र में है या फिर ग्रामीण क्षेत्र में है। अर्बन मतलब होता है शहरी, अगर शहरी इलाका में आपका कॉलेज है तो इस पर टिक कर दीजिए इस तरीके से, अगर ग्रामीण इलाका में कॉलेज है तो इस पर टिक कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद सब डिवीज़न, यानी आपका जो सब डिवीज़न है कॉलेज का, सब डिवीज़न मतलब होता है अनुमंडल, तो कॉलेज का अनुमंडल कहाँ है, उस अनुमंडल जगह का आपको यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है। जैसे कि मेरा बेगूसराय, तो मैं यहाँ पर बेगूसराय लिखूँगा, इस तरीके से आपको भरना है। 21 नंबर में मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे भरना है, जो चालू मोबाइल नंबर है। 22 में ईमेल आईडी भरेंगे, जो भी आपका ईमेल आईडी है। उसको 23 में स्टूडेंट्स नेम इन हिंदी, तो विद्यार्थी का हिंदी में नाम उनके आधार कार्ड पे किस तरीके से है उसको देख के आपको भरना है। यानी आकर हर्षिकर का भी अंतर नहीं रखना, क्योंकि मिस्टेक हो जाएगा तो आप ही को प्रॉब्लम होगा, ठीक है। उसके बाद 24 में मदर्स नेम इन हिंदी, तो आपके मम्मी का नाम हिंदी में किस तरीके से लिखते हैं वो लिखेंगे। फादर्स नेम इन हिंदी 25 में है, तो पिताजी का नाम हिंदी में आधार कार्ड पे किस तरीके से है उसको देख के ही आप लिखेंगे, क्योंकि गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद स्टूडेंट एड्रेस, ठीक है, 26 में है, तो विद्यार्थी का जो भी एड्रेस होगा, जैसे गांव का नाम होगा तो यहाँ पे विलेज लिख देंगे, VILLAGE, उसके बाद माइनस देके गांव का नाम लिखेंगे। उसके बाद POST लिख के आप पोस्ट ऑफिस का नाम लिखेंगे। उसके बाद P.S लिखेंगे, यानी PS और माइनस देके आप लिख देंगे पुलिस स्टेशन का नाम, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से आपको भरना है। उसके बाद 27 में मैरिटल स्टेटस, यानी जो विद्यार्थी हैं उनका शादी हुआ है तो इस पर टिक करें, अगर शादी नहीं हुआ तो इस पर टिक कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 28 में स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर, विद्यार्थी का जो भी बैंक खाता संख्या होगा उसको इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। उसके बाद बैंक एंड ब्रांच नाम, ठीक है, तो विद्यार्थी का जो बैंक खाता संख्या यहाँ पर भरा गया उस वो किस बैंक का खाता है, अगर SBI बैंक का खाता है तो लिखेंगे SBI यहाँ पे, और उसका ब्रांच का नाम, तो ये जो खाता संख्या भरे इस किस किस ब्रांच में ये खाता खुला है उस ब्रांच का यहाँ पे नाम भी आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा।
ठीक है। उसके बाद टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको भरना है, उससे पहले 29 में यहाँ पर आईएफएससी कोड है, तो जो दो खाता संख्या आप यहाँ पे भरे हैं वो खाता संख्या में आपको पासबुक पे आईएफएससी कोड दिया रहेगा, तो उसको देखे आईएफएससी कोड इस बॉक्स में आपको फिल कर लेना है। अब बात करते हैं 31 में यहाँ पर टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको भरने के लिए बोला जाता है, तो आपको ये कैसे अपने मोबाइल के गूगल के सर्च बार में यहाँ पर आएंगे और आपको यहाँ पर टाइप करना है गूगल ट्रांसलेट और आपको सर्च करना है, उसको यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इधर आपको हिंदी रखना है और इधर आपको क्लिक करना है तो इधर आपको इंग्लिश रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है जो भी आपके बर्थडे पे पहचान चिन्ह है, जैसे कि मेरे बर्थडे पे मेरे केस में नाक पे तिल है, तो मैंने यहाँ पे लिखा नाक पे तिल। उसको यहाँ से नीचे आएंगे तो ऑटोमेटिक उसका इंग्लिश यहाँ पे आ जाएगा, मोल ऑन नोज। तो इस तरीके से कोई दो पहचान चिन्ह यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इंग्लिश में आ जाएगा, तो जो भी इंग्लिश में आएगा उसको देख के आप बारीकी से अच्छे से आपको को क्या करना है, यहाँ पर इस फॉर्म में आपको पूछा जाता है टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पर आपको भर देना है, एक यहाँ पे भरेंगे और एक इस बॉक्स में आपको भरना है। उसके बाद 32 में मीडियम है, यानी किस मीडियम में आप एग्जाम देंगे, हिंदी या इंग्लिश में, तो जो भी मीडियम में एग्जाम देंगे उस पर यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद इस साइड की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर आपको सब्जेक्ट डिटेल्स पूछा जाता है, कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 200 मार्क्स, ठीक है। तो 100 मार्क्स इधर से लेने हैं, 100 मार्क्स आपको इधर से लेना, इधर इंग्लिश लेते हैं तो इधर आप हिंदी ले सकते हैं या फिर और कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। मान लीजिए इधर इंग्लिश लेते हैं, यहाँ पर इंग्लिश पर टिक करते हैं, तो इधर आपको हिंदी या फिर उर्दू लेना है, अगर आप मुस्लिम है तो उर्दू ले सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर प्रीफर्ड करूँगा कि आप इधर इंग्लिश पर टिक करेंगे और इधर आपको हिंदी पर टिक करना है, ठीक है। उसके बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप में 3 सब्जेक्ट आपको इसमें से लेना, क्योंकि 300 मार्क्स यहाँ पे दिया गया, आपको कोई 3 सब्जेक्ट लेना क्योंकि यहाँ पर 300 मार्क्स दिया गया, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट कौन से लेंगे आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ से हिस्ट्री लेता हूँ, फिलोसफी लेता हूँ और होम साइंस लेता हूँ, तो 3 सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट हो गया, तीनों पर टिक कर देंगे, ठीक है। फिलहाल मैं नहीं टिक कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो एडिशनल सब्जेक्ट ग्रुप, यानी अगर आप ऐच्छिक में लेना चाहते हैं तो इसमें से कोई एक सब्जेक्ट पर आपको टिक करना है, अगर ऐच्छिक में नहीं लेना चाहते हैं तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने बताया आपको आर्ट वाला फॉर्म को कैसे भरेंगे, अब बात करते हैं जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो फॉर्म को कैसे भरेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ साइंस वाले स्टूडेंट के लिए सेम प्रोसेस है। जैसे कि सब्जेक्ट आपको कैसे चॉइन करना है, तो 100 मार्क्स इधर से लेना, 100 मार्क्स इधर से लेना, एक सब्जेक्ट इधर से लेंगे और एक सब्जेक्ट इधर से लेंगे, 200 नंबर आपका यहाँ पर हो गया। उसके बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप में इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट लेंगे, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेंगे या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेंगे या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर लेंगे, ठीक है। तो 300 सब्जेक्ट आपका इधर से हो गया। उसके बाद एडिशनल सब्जेक्ट ग्रुप में आपका 100 मार्क्स यानी ऐच्छिक में लेना चाहते हैं तो कोई एक पे टिक करेंगे, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो टिक करने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ से नीचे आएंगे तो सिग्नेचर ऑफ पेरेंट व गार्जियन, यानी जो भी आपके माता या पिता किन्हीं एक से हस्ताक्षर यहाँ पे करवा लेंगे, जो भी विद्यार्थी हैं उनका सिग्नेचर यहाँ पे हिंदी में होगा और जो भी विद्यार्थी हैं उनका सिग्नेचर यहाँ पर इंग्लिश में होगा, जो भी हस्ताक्षर करेंगे बिल्कुल साफ साफ करेंगे, कटफट आपको बिल्कुल नहीं करना है। बाकी की ये जानकारी जो है वो सेम ही रहती है आर्ट साइंस कॉमर्स वालों के लिए, तो उसको अकॉर्डिंग आप उसको देख के भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप इस फॉर्म को भरेंगे, फिर भी आपको फॉर्म भरने में कहीं पर भी कुछ दिक्कत हो रही है तो नीचे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके जो भी आपको पूछना है इजीली वहां पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जब मैं ऑनलाइन रहूँ तो आप हमें कॉल करके हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। जब आप इस फॉर्म को भर लेंगे, भरने के बाद जमा करेंगे, तो इसके साथ और आपको क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स स्पिन अप करना है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेज का लिंक मिलेगा, क्लिक करके आप इस पेज पे आएंगे, वहाँ से नीचे आएंगे तो और भी आपको जानकारी दी गई है, एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर और भी जानकारी दी गई है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मार्कशीट हो गया, एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी हो गया, आधार कार्ड की फोटोकॉपी हो गया, तो आपको खुद से पढ़ना और समझना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में बताया गया, कितना आपको रुपया लगता है वो भी आप यहाँ पर इसमें, कब से कब रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर सकते हैं, लास्ट डेट कब है, वो भी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियो होगी उसकी आपको नोटिस टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ।